मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति के मुताबिक एक परिसर में एक शाला लगनी चाहिए, लेकिन जबलपुर में टेलीग्राफ फैक्ट्री गेट नंबर 2 के पास प्राथमिक शाला सुभाष नगर के भवन में एक साथ 5 शालाएं चलाई जा रही हैं। यहां स्कूल में कुल 193 छात्र हैं और 16 शिक्षक हैं। बच्चों की उपस्थिति भी कम है। एनडीटीवी की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची, तस्वीर चौंकाने वाली थी, जहां एक क्लास में एक बच्चा और पढ़ाने वाले 5 शिक्षक थे। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। सुभाष नगर प्राथमिक शाला में है। इस शाला का उद्घाटन 17 फरवरी 2020 को किया गया था और लगभग 2 करोड़ की लागत से स्कूल बनाई गई थी। लेकिन इस स्कूल में कमाल हो रहा है। यह स्कूल तो प्राथमिक शाला सुभाष नगर की है, लेकिन इस स्कूल में 5 स्कूल एक साथ चल रहे हैं। ये 5ों सरकारी स्कूल हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस एक स्कूल में 5 स्कूल चल रहे हैं। ये कक्षा तीसरी है। इस तीसरी कक्षा में ये कुल 5 बच्चे बैठे हैं और अभी फिलहाल यहाँ पर कोई टीचर नहीं दिख रहा है। ये जो बच्चे हैं, ये 5ों स्कूल के अलग अलग बच्चे हैं जिन्हें एक साथ बैठा दिया गया है। मैडम, आप इस क्लास में हैं तो कितने बच्चे हैं? 27 बच्चे 4 स्कूल के मिला के। जी जी। और टीचर? टीचर 2 हैं। 2 टीचर हैं। तो एक बार में तो एक ही टीचर पढ़ाता होगा? जी हाँ। और बाकी दूसरा टीचर क्या करता है? दो विषय हम पढ़ाते, दो विषय वो मैडम पढ़ाते। दो विषय। इसी तरह से लगभग देखिए, अभी हम चौथी पहली कक्षा में आए हैं। अब ये पहली कक्षा में तो ताला लगा है, फिलहाल कोई नहीं है इस क्लास में, ताला लगा हुआ है। ये चौथी कक्षा है। हमारे आने की आहट मिलने से यहाँ पर कुछ हलचलें बढ़ गई हैं। इस क्लास में भी 2, 4, 6, 8 और 10 बच्चे हैं। मैडम भी बहुत पढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके बाद हम चल रहे हैं दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा में भी आलम यह है कि जो बच्चे हैं वो आराम से खेल रहे हैं, कोई कूद रहा है, मैडम जो हैं वो अपने रजिस्टर पलटा रही हैं। इस दूसरी कक्षा में कैमरा आने से बच्चों को सीधे बैठाने के निर्देश मैडम ने दिए हैं और बच्चे उनकी पूरी बात मान भी रहे। मैडम, कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? 27। 27 बच्चे हैं, 5ों स्कूल के मिलाकर। 4 स्कूल के। 4 स्कूलों को मिलाकर। ये टीवी भी रखी है, तो ये क्या स्मार्ट क्लास है? नहीं सर, कल प्रशिक्षण हो रहा था यहाँ पे, सेवाकालीन प्रशिक्षण, उसका रखा हुआ। अच्छा, तो ये बच्चे रोज स्कूल कितने, आप टोटल एनरोल्ड कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे स्कूल में तो 33। 33 बच्चे जी। और आज कितने आए हैं? आज आए हैं 25 करीब करीब जी। मैडम को ये पूरी बात मालूम नहीं है कि आज कितने बच्चे इनकी क्लास में उपस्थित है, क्योंकि मैं मुझे पहली क्लास पढ़ा रही हूँ जी, और 5वीं 4वीं उनके अटेंडेंस। नहीं, आपकी क्लास में कितने बच्चे मैडम? मेरी क्लास में, मैडम गिन के बताएंगे जब तक हम दूसरी क्लासेस में होकर आते हैं। इसके साथ ही कुछ क्लासेस ऊपर हैं, हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। ये कक्षा 5वीं है, इस क्लास में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं 5वीं में? काफ़ी सारे बच्चे दिख रहे हैं। मैडम, ये तीसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है। मैडम, कितने बच्चे हैं? जी 30। कितने बच्चे हैं? 37 है कुल, 4 स्कूलों के। आज कितने आए हैं? आज आए हैं 17 बच्चे। 17 बच्चे, क्यों नहीं आए बच्चे? आज सैटरडे है तो थोड़ी सी संख्या कम हो जाती है और थोड़ा तबीयत का मौसम चल रहा है। कितनी आपकी 4 स्कूलों के कितने टीचर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अपॉइंट हैं? अब हम लोग ने हर क्लास के 2-2 बच्चे करके रखे हुए हैं, मतलब 2-2 टीचर एक एक क्लास को पढ़ाते, क्योंकि रूम इतने अवेलेबल है नहीं, एक एक क्लास एक एक रूम अलॉट है, तो 5ों क्लासों में टीचर्स 2-2 टीचर्स लेके उस तरह से पढ़ाया। तो ये जो क्लासरूम है, फिलहाल तो इसमें बच्चे भी हैं, अच्छे भी हैं। मैडम, ये कौन सी क्लास है? 8वीं है। तो आपके पास सिर्फ एक ही बच्चा है, कितने बच्चे एनरोल्ड हैं यहाँ? 8। यहाँ 8वीं क्लास में 8 बच्चे हैं, लेकिन फिलहाल शनिवार को एक इंटेलिजेंट बच्चा बस हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आया। मैडम, आपने पूछा नहीं कि बाकी 7 बच्चे क्यों नहीं आए? बच्चों ने बताया कि 2 बच्चों की यहाँ कथा है, तो कल से उन्होंने छुट्टी ली थी, और 2 बच्चे जो बाकी बच्चे बीमार हैं वो जी। फोन लगाया था मैडम ने, क्लास टीचर जो उनकी मैडम है
उन्होंने फोन लगाया था बच्चों को। तो मैडम ये बताइए कि एक ही बच्चा आया है और पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं? सब्जेक्ट के हिसाब से रहता है, अभी सब्जेक्ट जैसे अभी सामाजिक विज्ञान का चल रहा है तो वो सामाजिक विज्ञान का पढ़ रहा है। कुल कितने टीचर पढ़ाते हैं? कुल 5 टीचर है। देखिए भारतीय, कितनी अच्छी बात है कि पढ़ने वाला बच्चा एक है, पढ़ाने वाले टीचर 5 हैं। अब हम आए हैं कक्षा 6वीं में, 6वीं क्लास में तो बड़ा सुसंस्कृत रूप से मैडम पढ़ा रही हैं और सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैडम कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? मैडम को मालूम नहीं है कि इनकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 22 बच्चे हैं जी। हमारे साथ इस स्कूल के प्रभारी जो प्राचार्य हैं वो हैं कुशवाहा जी। कुशवाहा जी क्या नाम है आपका? KL कुशवाहा जी। कुशवाहा जी क्या स्थिति है? ये देखिए ये बच्चे, ये सब पानी बिखरा पड़ा है, फूट गया वो तो उसके कारण पानी आ रहा, अभी सफाई हो जाएगी जी। जी कुशवाहा जी क्या स्थिति है आपके स्कूल की? कितनी स्कूल है? कितनी स्कूल है, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं? हमारे यहाँ तो 53 बच्चे हैं और 5 टीचर हैं और 4 प्राइमरी, उनकी कक्षा वाइज लगती, पहली की क्लासें चारों स्कूल की अलग लगती है एक कमरे में, दूसरी अलग लगती है एक कमरे में, तीसरी अलग लगती चारों की एक कमरे में और 5वीं एक कमरे में अलग लगती, दो दो शिक्षक उसको यानी पढ़ाते हैं। तो कुशवाहा जी मतलब 5 स्कूल एक परिसर में लग रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्कूल के लिए एक एक स्कूल एक कमरे में चल रही है? नहीं, एक स्कूल एक कमरे में नहीं लग रहा है, एक कक्षा एक कमरे में लग रही है जी। यानी 9 कमरे हैं यहाँ पर हम लोगों को अलाट हुए हैं, तो हर क्लास अलग अलग कमरे में लग रही है। अच्छा, 6वीं 7वीं 8वीं अलग अलग है, चारों प्राइमरी की क्लास पहली अलग है, दूसरी अलग है, तीसरी अलग है, चौथी अलग है, 5वीं अलग है। कितने बच्चे टोटल हैं? टोटल 193 बच्चे हैं, पूरा प्राथमिक 4 और माध्यमिक हमारा 1 है। आज तो जब मैं आया हूँ तो बड़े बुरे हाल हैं, स्कूल में आपके 193 बच्चे एनरोल्ड हैं लेकिन देखने में तो बहुत ही कम बच्चे दिख रहे हैं। वो आज शनिवार के कारण, पता नहीं बच्चे शनिवार क्यों नहीं आते, क्या कारण रहता है, ये कोशिश करेंगे कि शनिवार को ही बच्चे आए पूरे जी। आपने ये, आपको ये मालूम है कुशवाहा जी आखिर ऐसा क्या कारण है कि 5 स्कूलों को, पेपर में तो 5 स्कूलों के नाम हैं लेकिन एक ही परिसर में लगाया जा रहा है? ये प्रस्ताव तो 2022 में भेजा गया है एकीकृत के लिए, एक परिसर एक शाला का, अभी तक नहीं हुआ, उसका अब कारण जानने की कोशिश करेंगे क्या नहीं हुआ है जी। तो ये एक और क्लास है, ये कक्षा 7वीं है, इसमें भी बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं, मैडम भी पढ़ा रही हैं। इस 7वीं क्लास में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं कुशवाहा जी? क्लास में 22 बच्चे एनरोल्ड हैं, आज 8 उपस्थित हैं। 8 उपस्थित हैं। अच्छा, ये जो मैडम है ये खड़ी हैं, ये मैडम हैं? ये मैडम भी है ट्रेनिंग के लिए है, तो ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, उनको लेसन प्लान बनाने को इस स्कूल को दिया गया पढ़ाने के लिए, तो वो उपस्थित हैं। अब इस स्कूल को सरकार ना सिर्फ 5 स्कूलों को एक साथ चला रही है बल्कि इसे एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि इसमें ट्रेनिंग भी होती रहती है, और जब ट्रेनिंग होती है तो जैसे कल ही यहाँ पर एक ट्रेनिंग हो रही थी तो एक अनोखा चीज़ देखने की मिली कि एक ही क्लास में कुछ बच्चे उत्तर की तरफ मुख किए थे और कुछ बच्चे दक्षिण की तरफ मुख किए थे और अपने अपने टीचर भी पढ़ाए जा रहे थे, तो उन बच्चों को क्या समझ में आता होगा, क्या करते होंगे, ये तो उनका रिजल्ट बताएगा। कुशवाहा जी ये बताइए कि क्या समस्याएं हैं आपकी इस स्कूल में? नहीं, इस स्कूल में तो ऐसी कोई समस्या नहीं, बिल्डिंग अच्छी, पानी बिजली सभी चीज़ें हैं, टीचर भी पर्याप्त हैं और बच्चे भी आते हैं पढ़ने बराबर। आज शनिवार के कारण कुछ कम बच्चे देख रहे हैं, बाकी तो यहाँ कोई समस्या नहीं, बिल्डिंग इतनी अच्छी है, गवर्नमेंट स्कूल में सबसे अच्छी बिल्डिंग मैं समझता हूँ ये जबलपुर ज़िले की होगी, और सौभाग्य यहाँ के बच्चों का, सौभाग्य टीचरों का कि ऐसे मंदिर में यानी उनको दाखिला मिला है बच्चों को, और हम जैसे टीचरों को हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल सौभाग्यशाली हैं हमारे कुशवाहा जी, जिनका कहना है कि उन्हें इस जैसे स्कूल में पढ़ाने का अवसर मिला है, और वो बच्चे जो अभी हमने आपको दिखाए वो सौभाग्यशाली हैं कि वो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, भले ही ये 5 स्कूल पेपर में चल रहे हों, भले ही इन 5 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर अभी एक भी शिक्षक नहीं है,
और वो बच्चे बिना शिक्षक के पढ़ रहे हैं, लेकिन इस स्कूल में बच्चों से ज़्यादा शिक्षक हैं, एक बच्चा है, पांच टीचर हैं। तो इस तरीके से ये है हमारी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। वीरेन शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।